यह कहानी रेगनार लोथब्रोक की है, जो कि रहता है अपनी पत्नी लगार्था, अपने बेटे बियोन और बेटी गिडा के साथ। रेगनार किसान होने के साथ साथ केटीगढ़ का एक सैनिक भी है। रेगनार का एक भाई भी है जिसका नाम रोलो है। रोलो भी अपनी भाई की तरह के एक योद्धा है। यह दोनों भाई बादशाह की तरफ से कई लड़ाई में हिस्सा ले चुके हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रेगनार अपने बेटे को लड़ाई करना सिखा रहा होता है। दूसरी तरफ लगार्था अपनी बेटी गिडा के साथ मछलियाँ पकड़ रही होती है। लगार्था जब घर आती है तब रेगनार अपने बेटे को योद्धा बनने की रस्म के लिए तैयार कर रहा होता है। दूसरे दिन रेगनार और उसका बेटा केटेगेट के लिए निकलते हैं। अब बियोन उस रस्म के बारे में पूछता है, तब रेगनार कहता है कि कल राजा गुनेगारों को सजा देंगे और आगे के हमले के बारे में योजना बनाएंगे। दूसरी तरफ लगार्था अपनी बेटी को कपड़े गुनना सिखा रही होती है। तभी वहाँ पर दो लुटेरे आते हैं। लगार्था उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वह दोनों लगार्था के ऊपर बुरी नजर डालते हैं। तभी लगार्था अपनी तलवार से उन दोनों को मारकर यहाँ से भगा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लगार्था भी एक बहादुर योद्धा है। अब रात होने के कारण रेगनार और उसका बेटा किसी जगह ठहर जाते हैं। रेगनार अपने बेटे बियोन को अपनी जवानी के किस्से सुना रहा होता है कि कैसे उसकी शादी उसकी माँ से हुई थी, और वो कल होने वाली रस्म के बारे में भी बताता है कि कल राजा तुम्हें एक कड़ा देंगे और तुम्हें इस कड़े की कसम खाकर राजा का वफादार बनना होगा और इस कड़े के मिलने के साथ तुम भी एक योद्धा कहलाओगे। दूसरे दिन वह दोनों केटेगट के लिए पहुंचते हैं, जहां पर और भी जगह से कई लोग आए हुए थे। तभी वहां पर रेगनार का भाई रोलो भी आ जाता है और वह बियोन को इस रस्म के लिए बधाई देता है। अब दोनों भाई बैठे हुए थे, तब रोलो रेगनार से इन गर्मियों में होने वाले हमले के बारे में पूछता है। वह बताता है कि हम थक चुके हैं बार बार पूरब की ओर जाकर। तब रेगनार बताता है कि हमें पश्चिम की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े शहर और कई खजाने और उन लोगों के नए ईश्वर को जानने मिलेंगे। तब रोलो कहता है कि पश्चिम की तरफ कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ खुला समुद्र ही है, और अगर मान लो वहाँ पर हम लोग गए फिर भी हम समुद्र में खो जाएंगे। पश्चिम की ओर जाने के लिए दिशा में रास्ता बनाए रखना जरूरी है। तभी रेगनार कहता है कि मैंने वह सब तैयारी कर ली है। मुझे एक बंजारे ने दिशा सूचक यंत्र दिया था जिसके सहारे हम पश्चिम की तरफ बड़ी आसानी से जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग केटेगट के बादशाह हेराल्ड के दरबार में जश्न मना रहे होते हैं। हेराल्ड के आते ही वहाँ पर एक शख्स के ऊपर छोरी का इंजाम था। तब राजा उसे उसके ऊपर पत्थर मारने की सजा देते हैं और एक आदमी को एक दूसरे आदमी की हत्या करने के अपराध में उसका सिर कलम करने की सजा सुनाते हैं। दूसरे दिन सब लोग उस शख्स के ऊपर पत्थर फेंक कर उसकी सजा पूरी करते हैं और उस आदमी का सर कलम करके उसकी भी सजा पूरी की जाती है। दूसरे दिन सब लोग उस शख्स पर पत्थर फेंक कर उसकी सजा पूरी करते हैं और उस आदमी का सर कलम करके उसकी भी सजा दी जाती है। अब बादशाह हेराल्ड उसके दरबार में रेगनार के बेटे बियोन को वह पवित्र कड़ा देते हैं और हमेशा दूसरे की मदद और बादशाह के प्रति वफादार रहने को कहते हैं। अब बादशाह हेराल्ड अपने अगले हमले की योजना के बारे में सबको बताता है। तभी इस बात से नाखुश रेगनार कहता है कि हम बार बार एक ही जगह क्यों जाए, हम वहाँ के लोगों को पहले ही गरीब कर चुके हैं। तब बादशाह कहते हैं कि मैंने भी कई ऐसी अफवाहें सुनी है कि पश्चिम के तरफ बहुत सा खजाना है, लेकिन इस फिजूल की बातों के लिए हम अपना समय और पैसा क्यों बर्बाद करें। अब रेगनार अपने बेटे को कड़े मिलने की खुशी में उसे बधाई देता है। तभी वहाँ पर बादशाह का एक सैनिक आता है और वो रेगनार को बादशाह के बुलावे पर वहाँ ले जाता है। अब बादशाह सबके सामने पश्चिम की बात करने और उसकी बेइज्जती करने के लिए रेगनार को डांट रहा होता है और उसे धमकी भी दे रहा होता है कि उसे उसकी जमीन और उसे यहाँ से बेल कर दिया जाएगा। अब रेगनार अपने बेटे को लेकर एक भविष्य देखने वाले के पास जाते हैं। रेगनार अपने लिए भविष्य में होने वाली घटना के बारे में पूछता है। तभी वह सामने वाला शख्स कहता है कि तुम्हारा भविष्य सुनहरा है। अब दूसरे दिन रेगनार और उसका बेटा नाव में बैठकर फ्लोकिक से मिलने जाते हैं। तभी उसका बेटा रेगनार से पूछता है कि आप कल दरबार में क्यों नहीं आए थे। तब वहाँ पर फ्लोकी आ जाता है और बियोन को डरा देता है। फ्लोकी एक नाव बनाने वाला कुशल कारीगर होता है। रेगनार पश्चिम में जाने के लिए वह एक नाव बनवाने के लिए वहाँ आया होता है। फ्लोकी उन्हें कई नाव के नमूने दिखाते हैं, जिनमें से रेगनार एक नाव को पसंद करता है। अब रेगनार अपने घर स्केडिन विलिया आ जाता है। अब दूसरे दिन रोलो रेगनार के घर आता है और पश्चिम में जाने की तैयारी के बारे में पूछता है और साथ में लूट में मिलने वाली वस्तुओं को बराबर बांटने के बारे में भी कहता है। अब दूसरे दिन रेगनार फ्लोकी की बनाई हुई नाव को देखने जाता है। वह नाव पश्चिम का सफर करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। यह सब वहाँ दूर खड़ा बादशाह का एक खबरी देख रहा होता है और यह सब वो बादशाह को बता देता है और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पर पूरा होता है।